नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको आज इस फेसबुक लाइव में मैं आया हूँ। आई हैव कम टू दिस फेसबुक लाइव। टू थ्री पॉइंट्स हैं जो मुझे क्लियर करना था। सबसे पहले मुझे क्लियर करना था कि मुझे बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और फ़ोन कॉल्स में मुझे अलग अलग लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि वाई यू नो बुबागरा, आप व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट, आगे आने वाले दिन में आप क्या करेंगे। कोई फ़ोन करके मुझे कह रहा है कि बुबागरा 18 तारीख को दिल्ली से कोई लीडर आ रहा है, उनसे जाके मिले या ना मिले, उनको मेमोरेंडम दे कि नहीं दे, उनके रैली में जाए कि नहीं जाए। बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजन है। तो मुझे लगा कि मैं फेसबुक लाइव में आकर डायरेक्टली आपसे बात करूं, क्योंकि मैं दो तीन चीज़ क्लियर करना चाह रहा था और शुरू में ही मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले जो लोग आपको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि प्लीज़ अटेंड, 18 तारीख का कोई प्रोग्राम है, कोई लीडर आ रहा है दिल्ली से, मेमोरेंडम देंगे, हम लोग को दुख लगा है, रैली में जाके पार्टिसिपेट करेंगे, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मैं अब कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ। लेकिन ये लोग जो आपको फोन करके बोल रहे हैं कि मैं महाराज का खास आदमी हूँ, लेकिन आप जाइए, मेमोरेंडम दीजिए, ये सब जाके पार्टिसिपेट कीजिए, वो हमारा यूनिटी को तोड़ना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्लियर मैसेज है कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से एक मैसेज दिया था जब मैंने प्रोटेस्ट किया कि कांग्रेस पार्टी एनआरसी के खिलाफ है त्रिपुरा में। नाउ ये सेम कांग्रेस पार्टी जो मेघालय में उनका दे आर फॉर एनआरसी, मिजोरम दे आर फॉर एनआरसी, नागालैंड दे आर फॉर एनआरसी, मणिपुर दे आर फॉर एनआरसी, अरुणाचल, सिक्किम, आसाम, बट इन त्रिपुरा वो लोग खिलाफ है। मैंने अपने पद, अपने पार्टी से, प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन किया, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज अपने दोफा के साथ नहीं कर सकता था। और जब मैंने एक बार रिजाइन किया है तो मैं वापस नहीं आने वाला। ये लोग जो आपको जो बोल रहे कि वो महाराज के बहुत क्लोज हैं, प्रद्योत के बहुत क्लोज हैं, फोन करके बोल रहे आइए मेमोरेंडम देंगे, वो हमारा थंचा को तोड़ना चाह रहे हैं। आप लोग समझ लो, कंफ्यूजन क्रिएट करके हमारा थंचा को तोड़ना चाह रहे हैं। आपके ऊपर है, आपको जो करना है, लेकिन मैं गुलामी दिल्ली का नहीं करने वाला। दिल्ली को त्रिपुरा के बारे सोचना पड़ेगा, त्रिपुरा को दिल्ली के बारे सोचना नहीं पड़ेगा। मैं दिल्ली का गुलामी नहीं करने वाला। और आप लोग को अगर जाना है तो ये मत बोलिए कि मैं महाराज के लिए जा रहा हूं। अगर आपको जाके दलाली करना है, गुलामी करना है, तो आप जाके कीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माई प्रिंसिपल एंड ऑन माई कन्विक्शन। ये मेरा क्लियर स्टांस है और ये मैसेज मैं आपको अभी डायरेक्टली बता रहा हूं, क्योंकि फोन आ रहा है। मुझे भी मालूम है, बहुत लोग बोलते हैं कि प्लीज कम 18 तारीख को जाइए, हम लोग मेमोरा, ये सब हमारा थंचा को तोड़ने का एक प्लान बनाया है। मेरा स्टेटमेंट आने वाले दिन में क्या है, मैं आपको अभी बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, स्टूडेंट यूनियन में, यूथ लीडर में एक यूनिटी आए। जब आप लोग यूनाइटेड होंगे तब मुझे बुलाइए। मुझे प्रेसिडेंट चेयरमैन बनने का कोई शौक नहीं है, मैं बुबागरा बन के ही रहूंगा, लेकिन मैं त्रिपुरा से लोगों को एक संग रख के आगे ले जाना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्टिवली, किसी को किसी के खिलाफ नहीं ले जाना चाहता हूँ। तो बहुत लीडर्स हैं आज जो दलाली कर रहे हैं, नाम उनका कुछ भी हो सकता है, आप बी केयरफुल, ये इनका प्लान है और ये प्लान को आप सक्सीड नहीं होने दीजिए। पिछले 6-7 दिन में मैंने बहुत लीडर से मिला है, मैं उनका नाम अभी आपको नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने बोला तो प्रॉब्लम होगा बाद में, लेकिन बहुत लीडर से मिला है और सबका एक ही कि हम सब एक हो। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने लीडर को प्रेशर कीजिए, बोलिए एक होइए, मुबागरा आकर आपके संग कंधे पे कंधे लगाकर चलेगा। कॉम्प्रोमाइज, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। और मैं आपको फिर से बोलना चाह रहा हूं, अगर पूरा जिंदगी गुलामी करना है तो आप जाइए 18 तारीख को गुलाम जैसे बनकर, नौकर बनकर, और जाकर मेमोरेंडम दीजिए।
लेकिन ये सवाल मत भूलिए कि जोड़ने वाला बहुत कम है, तोड़ने वाला बहुत है, और दलाली करने वाला बहुत है। सम्मान से बात कीजिए, ये मेरा मैसेज है। अगले 10-12 दिन में मैं आपसे फिर से मुलाकात करके मैं कुछ दूंगा, लेकिन मैंने अपना प्रिंसिपल में मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप अगर आप जाकर कुछ भी करना चाहते तो ये मत बोलिए कि आप मेरे लिए किए, आप कर रहे हो। और जो लीडर्स मेरे खिलाफ हैं मुझे परवाह नहीं, क्योंकि पब्लिक इज विथ मी। ये जो आम जो हमारा लोग है, जो पब्लिक है, वो मेरे साथ है, क्योंकि मैं सच के साथ हूं। यही मेरा मैसेज था। इफ यू हैव, अगर आपको लगता है कि मेमोरेंडम देने से, भीख मांगने से, अर्जी देने से आपको कुछ मिलेगा, तो मैं आपको बोलता हूं, दिल्ली आपको कुछ नहीं देने वाला। जो भी ये जमीन, यहां ये राज्य हमारा है। बाहर से आदमी आकर हमको, हम मेमोरेंडम देंगे कि अपना राज्य को कैसा चलाना है? मेरे संग नहीं होगा। और अगर किसी ने आपसे चंदा मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए कुछ डिमांड किया, एक पैसा ऐसे लोगों को मत दीजिए। ये पॉलिटिक्स में एक्सटॉर्शन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में नाम रखकर ये लोग एक्सटॉर्शन करते हैं, चंदा उठाते हैं। आप एक बार जाकर उन लीडर से पूछिए, आखिरी बार आपने कब अपने राज्य और अपने लोगों के लिए बात किया? हमेशा अपने पोस्ट के लिए, अपने पद के लिए बात किया। आपने कब अपने लोगों को आगे रखा है और अपने पार्टी को पीछे रखा है? आप एक बार जाके पूछिए उनसे। किसी को प्रेसिडेंट बनना है, किसी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनना है, किसी को एनएसयूआई प्रेसिडेंट बनना है, किसी को महिला कांग्रेस बनना है, किसी को यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना है, सबको पद चाहिए। अपना पब्लिक के बारे क्या होगा भैया? कभी तो अपने एनीवे, थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है, तब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बेलाइनो हम बाय हॉर कहाम, धन्यवाद।